दोस्तों 1997 में तब सनसनी मच गई जब रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब पब्लिश की जिसका नाम था रिच डैड और पुअर डैड, और साल का अंत आते आते यह किताब बन गई बेस्ट सेलिंग बुक। इस किताब में रॉबर्ट ने लोगों को बताया कि क्यों गरीब गरीब ही रहता है और कैसे अमीर और अमीर बनता जाता है। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं उनके दो पिता थे, एक अमीर जिन्हें वह रिच डैड कहते हैं और दूसरे गरीब जिन्हें वह पुअर डैड कहते हैं। इस किताब में उन्होंने अपने दोनों पिता के विचारों से जो सीख ली उसी के बारे में बताया है, और बताया है कि कैसे अमीर बना जाए, अमीर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, लोग पैसा कमाने के बारे में क्या सोचते हैं, पैसा कमाने की शुरुआत कैसे की जाए। यह किताब आपकी जीवन में एक फाइनेंशियल अवेयरनेस पैदा करेगी। इस किताब के माध्यम से रॉबर्ट ने असेट्स और लाइबिलिटीज का एक बहुत ही सुंदर मॉडल रिप्रेजेंट किया है और बताया है कि कैसे हर एक इंसान को अपने जीवन में असेट्स का एक ऐसा मॉडल डेवलप करना चाहिए उसका पैसा उसके लिए काम करने लगे, ना कि उस इंसान को जीवन भर पैसे के लिए काम करना पड़े। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये महसूस करेंगे कि यह रियल लाइफ लेसन्स हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं एक फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि राहुल ने अभी बताया, रॉबर्ट के दो पिता थे। लेखक के एक पिता बहुत ही पढ़े लिखे थे, उन्होंने पीएचडी तक की पढ़ाई की, और वहीं उनके पिता के दोस्त जिन्हें रॉबर्ट रिच डैड बुलाते थे ने केवल 8वीं क्लास तक पढ़ाई की थी। दोनों ही अपने अपने कैरियर में सफल थे, लेकिन एक फाइनेंशियल पैसों की समस्या से जूझ रहे थे और दूसरे उनके शहर के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। जब रॉबर्ट पैसे के बारे में दोनों से बात करते थे तो दोनों के नजरिए अलग अलग होते थे। एक का मानना था कि पैसों के प्रति प्यार ही सभी प्रकार की समस्याओं की जड़ है, और दूसरे का मानना था कि पैसों की कमी ही सभी समस्याओं की जड़ है, जिसकी वजह से रॉबर्ट हमेशा पैसे को लेकर कंफ्यूज रहते थे कि किसकी बात को फॉलो करूं। हालांकि रॉबर्ट के दोनों पिता ही उसकी भलाई चाहते थे, उनके पुअर डैड को हमेशा यह कहने की आदत थी कि हम ये नहीं ले सकते हैं, हम वो नहीं ले सकते हैं। वही उनके रिच डैड इस शब्द का कभी भी उपयोग नहीं करते थे, उन्हें इस वाक्य से सख्त नफरत थी, यहाँ तक कि उन्होंने रॉबर्ट को भी इसका इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। रिच डैड कहते थे कि तुम अपने आप से पूछो कि तुम कैसे उस चीज को ले सकते हो। उनका मानना था कि जब तुम कहते हो कि तुम यह चीज नहीं ले सकते हो तो तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, और उसके विपरीत जब तुम अपने आप से ये सवाल पूछते हो कि तुम उस चीज को कैसे ले सकते हो तो तुम्हारा दिमाग अपने आप काम पर लग जाता है। उनका यह कहना बिल्कुल नहीं था कि आप सब कुछ खरीदते चलो, उनका यह कहना था कि अपने दिमाग को हमेशा एक्टिव रखो, उसे काम पर लगाओ, जिससे तुम्हारे ब्रेन की एक्सरसाइज होगी और वह दिन ब दिन मजबूत बनता चला जाएगा। उनके पुअर डैड कहते थे कि कभी रिस्क मत लो, और रिच डैड कहते थे कि रिस्क को मैनेज करना सीखो। उनके पुअर डैड कहते थे कि बहुत पढ़ाई करो और कॉलेज डिग्री लो और एक अच्छी सुरक्षित नौकरी ले लो। वही रिच डैड कहते थे कि पढ़ाई करो और पैसा कैसे काम करता है वह सीखो, और अपने जीवन में एक ऐसी पोजीशन अटेन करो कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे। 9 साल की उम्र में रॉबर्ट ने डिसाइड किया कि वो अपने रिच डैड की सुनेंगे और उनसे पैसों के बारे में सीखेंगे, और पैसों के मामले में वो अपने पढ़े लिखे पुअर डैड को फॉलो नहीं करेंगे। आपको यह जान के हैरानी होगी कि रियल में उनके पुअर डैड उनके सगे पिता थे जो बहुत पढ़े लिखे थे और टीचर की नौकरी करते थे, लेकिन वह पैसों के मामले में गरीब थे। वही लेखक जिसे अपना रिच डैड कहते हैं वो उनके दोस्त माइक के पिता थे, जिनके पास रॉबर्ट और उनका दोस्त माइक पैसे कैसे कमाते हैं सीखने के लिए जाते थे। रॉबर्ट के रिच डैड ने अपनी स्कूलिंग भी नहीं पूरी की थी, फिर भी वह शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक थे और बाद में जाकर अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बने। रॉबर्ट और माइक के कहने पर उनके रिच डैड उन्हें पैसे कैसे कमाते हैं सिखाने के लिए तैयार हो गए। उनके अमीर पिता ने उन्हें पैसों के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अमीर पिता ने उन्हें कहा कि आप कितना पैसा कमाते हो यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि कितना पैसा आप बचाते हो। बहुत सारे लोगों को यह नियम पता नहीं है
इसीलिए हम देखते हैं कि लाखों रुपए की लॉटरी जीतने वाला गरीब या मध्यम वर्गीय आदमी अचानक से अमीर तो बन जाता है, परंतु कुछ ही सालों के भीतर अपनी पुरानी गरीब हालत पर आ जाता है, क्योंकि उन्होंने पैसे बचाए नहीं सिर्फ खर्च किया। हम यह भी देखते हैं कि कोई खिलाड़ी जो 25 से 30 साल की उम्र में करोड़ों रुपए कमा रहा था, पर उसके 10 से 15 साल बाद उसके पास कुछ नहीं बचा है, वह बेघर हो गया है और उसे अपना खर्च चलाने के लिए बसें साफ करना पड़ रहा है। क्या आप उस खिलाड़ी का नाम बता सकते हैं? ऐसे ही एक एग्जाम्पल हमारे बॉलीवुड में भी हैं, जिन्हें हम सदी का महानायक बोलते हैं। कमेंट सेक्शन में इन दोनों लोगों का नाम जरूर बताइएगा। लंबे समय में आप कितना पैसा कमाते हैं वो मैटर नहीं करता है, आप कितना पैसे बचाते हैं वो मैटर करता है। आइए इसे थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आपको एसेट, संपत्ति और लायबिलिटीज, देनदारी क्या होता है, उसे समझना होगा और उनके बीच का अंतर भी समझना होगा। रिच डैड ने उन्हें साधारण भाषा में समझाया कि एसेट आपकी जेब में पैसे डालते हैं, वही लायबिलिटीज आपकी जेब से पैसे निकालती हैं। यदि आपको अमीर बनना है तो आपको एसेट खरीदने होंगे, और यदि आपको गरीब और मध्यम वर्गीय बनना है तो आपको लायबिलिटीज खरीदने होंगे। कोई भी अमीर आदमी पढ़ा लिखा हो या न हो, लेकिन वह आर्थिक रूप से पढ़ा लिखा जरूर होता है, यानी पैसा कैसे काम करता है यह उसे जरूर पता होता है। पैसा कैसे काम करता है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में कहीं भी यह नहीं सिखाया जाता कि पैसा कैसे काम करता है। आप सभी लोग जानते हैं, हर आदमी का एक इनकम स्टेटमेंट होता है, मतलब उसकी आमदनी कैसे होती है। इनकम स्टेटमेंट में दो भाग होता है, एक कमाई और दूसरा खर्चा। यह आपको बताता है कि आपने कितने पैसे कमाए हैं और कितने खर्च किए हैं, और सब खर्च निकालने के बाद आपके पास कुल कितना पैसा बचा है, कुछ बचा भी है या नहीं। गरीब आदमी के पास कमाई का स्रोत सिर्फ मंथली सैलरी होती है, उनका लगभग पूरा पैसा कर्जा, घर का किराया, खाना, कपड़े आदि में चला जाता है। महीने के अंत में अधिकतर उसके पास न के बराबर पैसा बचता है या कुछ नहीं बचता है। गरीब आदमी का एसेट्स का कालम हमेशा खाली रहता है, वह इसलिए होता है क्योंकि उनके पास महीने के अंत में कुछ नहीं बचता है। यदि बचता भी है तो वह उसे एसेट्स में नहीं लगाते हैं, बल्कि वह उसे टेलीविजन जैसे मनोरंजन साधन खरीदने में खर्च कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें किसी ने एसेट्स के बारे में बताया नहीं होता, नहीं स्कूल में, न माँ बाप ने और न ही दोस्तों ने। लायबिलिटीज वह खरीद नहीं पाते हैं क्योंकि उनके पास उतने पैसे बचते ही नहीं हैं। आइए अब मध्यम वर्ग के आदमी का कैश फ्लो देखते हैं, जिसमें इंडिया के 65% लोग आते हैं। मध्यम वर्गीय लोगों का एक फिक्स पैटर्न होता है, जिनकी जल्दी में शादी हुई है वह पहले किसी नए शहर में किराए पर रहने लगते हैं, फिर खुद का नया घर लेने के बारे में सोचते हैं, और नया घर लेने के बाद वह फर्नीचर लेते हैं, फिर जैसे जैसे इनकी आय बढ़ती जाती है वह वैसे वैसे वो कार और कुछ दूसरा सामान लेने लगते हैं, फिर उनका लायबिलिटीज का कॉलम होम लोन, कार लोन आदि से भर जाता है। इसके बाद लोन की किस्तों के वजह से उनका खर्चा बढ़ता है और उनकी पूरी सैलरी उनके मासिक खर्चे में ही चली जाती है। इस प्रकार उनका पूरा एसेट्स का कॉलम खाली ही रह जाता है। आइए अब अमीर आदमी का कैश फ्लो देखते हैं, जिनका परसेंट बहुत कम है। अमीर आदमी के एसेट उनके लिए पैसा कमाते हैं। रॉबर्ट के गरीब पिता का लगभग सारी सैलरी उनके मासिक खर्चे में ही चली जाती थी, और उनके अमीर पिता कई सालों से एसेट में पैसा लगा रहे थे, जिसके कारण उनका एसेट उनकी लायबिलिटीज से बहुत बड़ा हो चुका था, और अब उनके एसेट उनके लिए खर्चे से ज्यादा पैसे बना रहे थे। रॉबर्ट के अमीर पिता भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वह पूरी तरह से फाइनेंशियली लिटरेट थे और पैसा काम कैसे करता है उन्हें यह बहुत ही अच्छी तरह से पता था। चाहे आदमी गरीब हो या अमीर, उसे पैसे तो कमाना आता है, लेकिन उसे पैसे को मैनेज करना नहीं आता है। उन्हें बहुत हार्ड वर्क करना तो आता है, लेकिन अपने पैसों से हार्ड वर्क करवाना नहीं आता है। वह बस खुद ही काम करते रहते हैं, अपने पैसों को काम पर नहीं लगाते हैं। जैसे जैसे उनकी कमाई बढ़ती है,
उसी के अनुपात में उनके खर्चे भी बढ़ते रहते हैं और उन्हें लगता है कि ज्यादा पैसे आने से उनकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, इसलिए वो लगातार अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए मेहनत करते रहते हैं। चाहे उनका वेतन कितना भी बढ़ जाए, उनकी आर्थिक समस्या कभी खत्म नहीं होती है। वह यह कभी नहीं समझते हैं कि उनकी असली समस्या यह है कि उनके पास जो पैसा है उसे वह खर्च कैसे कर रहे हैं, उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं, और यह समस्या फाइनेंशियल नासमझ की वजह से है। सबसे पहली बात जो आपको माननी चाहिए वह यह है कि सबसे पहले खुद को पे करो। जो भी पैसा आप कमाते हैं उसमें से कुछ हिस्सा अपने लिए रखो, यानी कि अपने लिए पैसे बचाओ और उन बचे हुए पैसों से ऐसे एसेट खरीदो जो आपके लिए पैसा बना सके, यानी आपको पैसा कमा कर दे सके। अमीर और गरीब लोगों ने सबसे बड़ा अंतर यह होता है कि गरीब लोग पहले सब पैसे खर्च कर लेते हैं, फिर आखिर में अपने लिए रखने का सोचते हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर समय वह अपने लिए कुछ भी नहीं बचा पाते हैं और अंत में न ही वह उसे किसी एसेट में निवेश कर पाते हैं। वही अमीर लोग सबसे पहले अपने लिए पैसे बचाते हैं और उसके बाद अपने खर्चे करते हैं। यह करने के लिए बहुत ही प्रयास और सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती है, लेकिन यकीन मानिए इससे आपका जीवन बदल जाएगा। कई बार आपके सामने कुछ आर्थिक समस्या आएगी, फिर भी आपको सबसे पहले खुद को ही पे करना है और उसे बचाना है। जब आप अपने ऊपर सेल्फ डिसिप्लिन करना सीख जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपने अमीर बनने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा लिया है। उम्मीद करता हूँ इस किताब की समरी से आपने कुछ सीखा होगा। मेरा एक पर्सनल सजेशन है जो बहुत एक्सपीरियंस के बाद आया है कि इंसान को कोई भी लायबिलिटी जैसी महंगी कार, मोबाइल फोन वगैरह तब खरीदना चाहिए जब वह एक समय में उन चीजों को दो बार खरीद सके। जी हाँ, मतलब आप 15 लाख की दो कार एक साथ एक समय में खरीद सके तब एक कार खरीदने का विचार बनाइए। इस प्रकार से आप हमेशा गैर जरूरी खर्चों से बच सकेंगे और एक बेहतरीन एसेट्स का सेट बना पाएंगे। अपने विचार कमेंट सेक्शन में शेयर करना न भूले, मैं इंतजार करूंगा। चलिए फिर मिलता हूँ एक नई रोचक जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।